अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चले जी आए मरियम के किचन में। आज क्या बन रहा है देखते हैं। 30-40 मिनट्स में आपकी डिश तैयार होने वाली। टी टाइम के बाद अगर आपको भूख लगे तो ये डिश ज़रूर ट्राई करें। तो चले जी आए, इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हम। तो बहुत ही लो बजट और बहुत ही फ़ौरन से तैयार होने वाली ये डिश है। सिर्फ बेकिंग पाउडर का खर्चा आएगा आपको और 1 से 1.5 कप दूध का खर्चा आएगा। तो जी ये तो हर घर में जो है वो मौजूद होता है। और 3 से 4 पैकेट आपको बिस्किट्स के लेने होंगे, दैट्स इट। तो 4 पैकेट मैंने यहाँ बिस्किट के लिए ओरियो के और मैरी के, उसको मैंने उसकी क्रीम जो है वो अलग कर दी थी ओरियो की, और सारे बिस्किट्स को क्रश कर लिया था। बेकिंग पाउडर मैंने 2 टीस्पून लिया है और 1.5 कप इस कप से मैंने मेजरमेंट कर ली थी और दूध लिया था 1.5 कप। ठीक है जी, इससे 2 कप मेजरमेंट कर लेंगे। तो यहाँ मैं जब तक मेजरमेंट कर रही हूँ तो इस केक के पीछे फूड एंड साइंस आपको मैं बता दूँ कि जिस तरीके से हम कुकीज़ का बैटर बनाते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड कंसिस्टेंसी होती है उसकी, लेकिन केक की बैटर की जो है वो लिक्विड फॉर्म में कंसिस्टेंसी होती है ताकि वो राइज अप हो सके। ठीक है जी, तो बस केक कुकीज़ के बैटर में और केक के बैटर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि उसमें बेकिंग पाउडर की मिकदार जो है वो कम होती है और इसमें जो है वो ज़रा ज़्यादा होती है, ताकि ये फ्लफीनेस और इसका टेक्सचर जो है वो फूला फूला सा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर डाल के अच्छी तरीके से इस मिक्सचर को मिक्स कर लिया है और अब दूध डाल के इसको अच्छी तरीके से केक लाइक बैटर बना लूँगी मैं और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे अब हम। ठीक है, यहाँ पे 1/2 कप मुझे और मिल्क लगा, वार्म मिल्क लेंगे ताकि बिस्किट जो है वो जल्दी से रनी फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे मैंने जो है वो बड़ी पतीली ले ली है और स्टोव के ऊपर ही अपना ओवन तैयार कर लिया है। यहाँ पे वायर रैक रख दिया है मैंने और इसको प्री हीट कर लिया है फॉर 5 to 6 मिनट, जब तक हमारा बैटर रेडी हो रहा था। यहाँ पे मैंने अपने मोल्ड में बैटर डाल दिया और 30 मिनट्स के लिए अब हम केक को बेक कर लेंगे। ठीक है जी, इसकी लिड अच्छे तरीके से कवर करेंगे, अगर कोई होल है तो वहाँ पर आप आटा लगा के इसको कवर कर सकते हैं जैसे मैंने किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओरियो के बीच की क्रीम ले ली और 3 से 4 टेबल स्पून दूध डाल दिया है वार्म मिल्क और इसका ओरियो गनाश बना लिया। ठीक है, यहाँ पे जी अब मैंने ये टूथपिक डाल के देख ली है तो कि टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन आउट आई है। तो अब जी ये केक को हमने बाहर निकाल लिया है। हमें बहुत सब्र और तहम्मुल से काम करना है वरना केक जो है वो टूट सकता है। यहाँ पे फिर जो अब हमारा ओरियो गनाश था उसको डाल दिया है हमने इसके ऊपर अच्छी तरीके से, और थोड़े से मेरे पास चॉकलेट चिप्स पड़े हुए थे तो वो थोड़ा सा डाल के सारे बच्चों को और सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड दे लाइक सो मच। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिर्फ 30-40 मिनट्स में आपकी ये डिश तैयार हो जाएगी और 2 से 4 इंग्रेडिएंट्स की सिर्फ ज़रूरत है, जो इंग्रेडिएंट्स हर घर में हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो चलें जी, फिर मिलती हूँ मैं अपने एक नई डिश और एक नए दिन के साथ। जब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।